Hey everyone, welcome back to my channel. आज हम बनाएंगे पोटैटो सैंडविच, जो बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इसे सुबह नाश्ते में भी ले सकते हैं और शाम की चाय के साथ भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास मौजूद है इस वक्त 2 अदद आलू। इनको अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। मैश करने के बाद इसमें शामिल करेंगे कटा हुआ हरा धनिया, कटा हुआ पुदीना, कटी हुई हरी मिर्चें, 1 अदद बारीक कटा हुआ प्याज, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। एक ब्रेड का पीस लेंगे। अब इस तरह इसके ऊपर केचप लगाएंगे। केचप लगाने के बाद इसके ऊपर आलू का मिक्सचर लगाएंगे। अब एक और ब्रेड का पीस लेंगे, उसके ऊपर भी इसी तरह केचप लगाएंगे। इस तरह से आपने 3 लेयर बना लेने हैं। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार 3 लेयर बन गए हैं। पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे। तेल डालने के बाद सैंडविच को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। थोड़ी देर के बाद साइड चेंज करेंगे, हल्का ब्राउन होने पर निकाल लेंगे। इसके बाद सैंडविच को दरमियान से कट करेंगे। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सैंडविच तैयार है। खुद भी खाएं, दोस्तों को भी खिलाएं, घर में आप ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।